भाई साहब यहाँ पर ये पूरा का पूरा अभी था ऐसे, इन्होंने भाई पूरा काट दिया ये, मतलब ऊपर से भाई ये जो पेड़ है ना ये गिरा था इधर हिमाचल में। लाइट आ गए फिर तक पता लग जा भाई तो बड़े घट दूस दी। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी अपन जा रहे हैं वही मार्केट, और थोड़ा सा पेंडिंग काम बचा है तो वो करने, फिर उसके बाद सोचते हैं क्या करना है, घर आना है कि उतरी रहना है। और हाँ क्या बोला उतरेना रात को भी ठीक है, इसके बारे में सोचेंगे। तो अभी अपन लोग आ गए हैं मार्केट से, और यहाँ पर हम फंस गए बिकॉज बारिश लगी है बहुत तगड़ी वाली। यहाँ पर मेरी दीदी है साथ में, और विक्की ने दे दिया शॉट भाई मेरे को कि तू ले जा, मेरे को लेना बाद में, और मैं जाऊँगा स्कूटी में। भाई विक्की बुलावा गया, क्या बोला सच में? मेरे को लगा ही था मेरे भाई, क्योंकि यहाँ से गए थे पापा शायद, यहीं से गए थे मैंने गया विक्री पापा गए शायद यहाँ से, मुझे ना पता कि वो गए सच में गए। क्या करें फिर, जाएं चलो फिर अब साथ चले, साथ में चलते ना, सिर सिर छिपाने के लिए मिल जाए और क्या। बट दुखी की बात ये है कि मेरे पास ये जूते हैं आज, और मैं बहुत ज़्यादा रोने वाला हूँ इन जूतों के पीछे। जूते खोल दूँ? अगली 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 यार मैं चप्पल पहन नहीं आना हूँ, देखिए अभी की पूरी बरसात। अभी मौसम ना भाई इतना ठंडा हो रखा है कि भाई क्या ही बोले। ये बारिश हुई थोड़ी देर पहले ही देखो, और अपन सोच रहे कि अभी ग्राउंड जाएं बढ़िया, बिकॉज भाई साहब इतने दिन हो गए ना अंदर ही अंदर भाई अंदर ही अंदर। अब यार ना भाई इतना ठंडी हवा चली है ना कि क्या ही बोलूँ मतलब, और मौसम देखो यार मतलब नीचे बादल बादल है ना, इसमें पहाड़ों में देखो बिल्कुल बादल लाइन में चले हुए हैं, और हाय 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 ठंड लग रही है भाई सही में ठंड लग रही है यार। अब देखो बादल देखो भाई अपनी चमकीली, बड़े दिन बाद चलाई यार, मतलब चलाई तो मैंने काफ़ी बार लेकिन कैमरे में पहली बार चलाई ना, पहली बार नहीं मतलब बहुत दिनों बाद। अभी मैं भाई अपनी चमकीली को छोड़ के यहीं जा रहा हूँ, और क्या शर्मा रहे हैं बंदे। अभी हम एक वॉक में जा रहे हैं, यहाँ से जाएंगे हम बढ़िया से, और वहाँ पर एक ठंडा पानी मिलता है बढ़िया, तो वहाँ पर जा रहे हैं। मैं जा तू जा चुपचाप कमा कर निकल जा रहा कि तू साथ भी वो दाल सुखी आना, वो अम्मा के ना आना क्या ही तू जाएगा बड़ बढ़िया बात तो नहीं अखबार थोड़ा आई थी अली नहीं आ रही अखबार ही आई थी कैसी नहीं नहीं आ रही है जल गसी अरे तो फिनाइल पाई रहे हाँ फिनाइल कितनी गंदी स्मेल होती ना यार तो कितना पार दो तीन बूंद तक की चार फिनाइल की स्मेल होती ना भाई इतनी तीखी होती है ना जो मतलब मेरे कान लगती है गले में एक तो खांसी ऐसी हो रही है मेरे को ना, क्योंकि सबको भाई खांसी वगैरह थी अभी दो तीन दिन पहले, और मैं बिल्कुल ठीक था, तो अब ऐसा हो रहा है कि सब ठीक हो रहे हैं और मैं हो रहा हूँ बिकॉज सभी का मेरे को लग रहा है। और मतलब इस सीज़न में मेरे को दो या तीन बार मतलब इस साल जो है वो दो या तीन बार मैं बीमार हो चुका हूँ, और
बिकॉज इसका रीज़न है कि मैं ग्राउंड से अनटच हूँ, तो ग्राउंड मुझे फटा जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो करते हैं भाई अब। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज ना दीदी जा रही है मार्केट और मैं जा रहा बिकॉज आज बड़ी मुश्किल से बुखार तो उतर गया और खांसी भी थोड़ी कम हो गई, लेकिन जुकाम हो गया यार। और जुकाम ऐसा हुआ है कि इसको ना मिर्च बड़ी पसंद होती है खाना खाते रहे हैं। हाँ, और ये मिर्च का उद्घाटन कर दिया इसने, बट ऐसे नहीं है, मैंने ऑलरेडी खा चुका हूँ एक अपने उधर से, तो उद्घाटन नहीं है ये, जस्ट यू नो ये मेरे टेस्ट करने के बाद तेरा टेस्ट है। अच्छा। तो अभी भाई अपन गया था मार्केट और साथ साथ में दादा को लेके भी गया था कहीं पर, उनको काम था किट, और वहाँ से दवा दारू भी ले आया, सॉरी दारू नहीं सिर्फ दवा लाया भाई, दारू दूर नहीं लाया। तो जब बोला नहीं जा रहा ना अभी एक्चुअली, तो गला बिल्कुल ख़राब है, दवा भी आ गई। और अभी मैंने दादा को ड्रॉप किया था लोकल मार्केट में, तो वहाँ से उनको पिक करना है। तो अभी चलिए भाई साहब, यहाँ पर ये पूरा का पूरा अभी था ऐसे, इन्होंने भाई पूरा काट दिया ये, मतलब ऊपर से भाई ये जो पेड़ है ना ये गिरा था इधर। हिमाचल में ऐसा होता रहता है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं हिमाचल में, क्या मतलब जहाँ पर ऐसे ऐसे पेड़ होते हैं वहाँ पर होता रहता है। एक तो भाई मैं इधर तब से वेट कर रहा हूँ, और दादा जो थे वो कटिंग करवा रहे थे और मैं खज्जल यार, मैं सारी दुकान देख ली, मैं कहीं यहाँ पर भी नहीं है। और बाल तो इतने थे नहीं बड़े बड़े कि कटिंग करवा रहे थे, मतलब ऐसे तो मुझे लगा नहीं कटा, मैं नहीं दिखा उन्हें ना, क्योंकि बाल तो है नहीं लंबे लंबे। तो देखो तो भाई कटिंग की दुकान में मिले, बार शॉप में, अभी भी वही पता नहीं कहाँ चले गए कटिंग करवा के। हाँ तो मैं पहुँच गया अभी घर, और तबीयत ठीक है यार। तब एक्चुअली क्या था ना कि आपको बताया कितनी सफोकेशन हो रही थी, मैंने मास्क पहन के रखा था और ऊपर से गर्मी थी, पसीना निकल रहा था, तो बाहर भी नहीं जाता, बाहर जा रहा था ठंड लग रही थी एकदम से ना भाई, होता है कि अगर पसीना वगैरह आप पूरी टी शर्ट वो रखी थी तो ठंड लग रही थी, तो उस वजह से मैं बाहर भी नहीं जा रहा था और अंदर ही बैठा गाड़ी में। तो ऐसा है अभी बिल्कुल ठीक हूँ, अभी ऐसा है कि थोड़ी खांसी वगैरह बिल्कुल माइनर सी है, बाकी सब बढ़िया है, और बस बढ़िया आपके प्यार से, क्योंकि मैं लाइव भी आया था तो उस दिन, कल या परसों लाइव आया था। हाँ तो बहुत बढ़िया, आपने विश किया कि ठीक हो जाओ, तो लो जी हो गए ठीक है, बस थोड़े से बचे हैं, हो जाएंगे। तो बस ये है कि बाहर की चीज़ें मत खाना और ठंडी चीज़ें मत खाना, बिकॉज आपको तो मौसम चेंज हो रहा है तो गड़बड़ी हो जाएगी बॉडी में, तो महंगी पड़ जाएगी भैया, ये तो अपन जानते हैं। हो गया वो जो होना था। तो चलिए आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई बाय।